हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग हाइपरबोला का अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुछ शिफ्टेड एलिप्स, सॉरी शिफ्टेड पैरा हाइपरबोला और इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और हमने क्या क्या चीज़ें लास्ट टर्न पर कवर कर ली थी, तो हमने लास्ट टर्न पर देख रखा था कि हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, अदर हाइपरबोला क्या होता है। अदर हाइपरबोला का मतलब है कि जो इस तरीके का रहता था, जहाँ पे वर्टिकल टाइप का कह लीजिए, है ना, उस हाइपर, वो हाइपरबोला का नेचर कैसा होता था, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते थे, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला को लेकर के। एक तो उनकी सेंट्रिसिटी का रिलेशन, दूसरे हमने कहा था कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला का जो सम आता है वो क्या इक्वेशंस का सम आता है, टू टाइम्स ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स होता है। और हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिफर करते हैं, तो हमारी जो कांस्टेंट पार्ट है केवल वही चेंज होता है, बाकी सारे कोफिशियंट्स हमारे सेम रहते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने एक सारे फोकस को मिला करके एक क्वाड्रिलेटरल भी फॉर्म किया था, जिसको हमने दिखाया कि वो एक स्क्वेयर होता है। और इसेंट्रिसिटी के बारे में हमने कहा था कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा एसिम्प्टोट्स हैं, जो एसिम्प्टोट्स अगर पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, तो और उनमें किसी एक पोर्शन में देखें तो टू थीटा का एंगल अगर बन रहा है, तो उस पोर्शन में जो हाइपरबोला बना होगा, उस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, सेक थीटा होगी। एक चीज उसमें और भी आप बढ़ा सकते हो, एक पॉइंट और लिख लो, क्या कि हमने ये लिखा था ना, कोई अलग सा नहीं है, मतलब ई इज इक्वल टू मॉड ऑफ सेक थीटा हमने लिखा था। ठीक है, उल्टा अगर कोई कहे कि मान लीजिए आपको इसेंट्रिसिटी पता चल जाए और कहा जाए कि पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल बताइए, तो यहीं से हम ये भी बोल सकते हैं ना कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है, कितना हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा, है ना। और थीटा को हम क्या बोलेंगे यहां पे, सेक इनवर्स ई, टू टाइम्स सेक इनवर्स ई। ठीक है, अच्छा, जिनको इस इनवर्स के बारे में उतना अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं है वो अभी आप इसको स्किप कर सकते हो, मतलब आई मीन कि 11th वाले लोग जिनको इनवर्स के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है, वो लोग चाहें तो अभी इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी ये कितना होगा, टू इंटू सेक इनवर्स ई के बराबर होगा, है ना। ठीक है, तो ये वाली चीज हमने कही। आपने एक और पॉइंट, अपन स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे देखिए कि आपने हाइपरबोला के पहले जो आप कह रहे हैं पैराबोला या एलिप्स, उसमें भी डिस्टेंसेस के टर्म्स में उनकी इक्वेशन को एक बार को ऑब्जर्व किया होगा। यहां पे भी हम डिस्टेंस के टर्म्स में इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो अगर मैं इसको समझूं डिस्टेंस के टर्म्स में, तो अब ऐसे देखिए, ये मान लीजिए आपका हाइपरबोला रहा, है ना, ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, इधर आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस भी मार्क कर देता हूं। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है, और ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है, आपकी एक्स एक्सिस है। तो अगर कोई पॉइंट एक्स वाई इस पे है, तो एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकता हूं डिस्टेंस के टर्म्स में, मैं कह सकता हूं कि ये क्या है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, वाई एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस एक्स के बराबर होगी ना। मतलब ये डिस्टेंस को कहा जा सकता है कि कॉन्जुगेट एक्सिस और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, है ना। तो एक्स को एक्स लिखने की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ये एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय ए, है ना। तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए का मतलब क्या है, सेमी कॉन्जुगेट, सॉरी सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अपॉन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। माइनस अपन देखते हैं वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का मतलब क्या है, तो ये वाली लेंथ आपकी वाई है, वाई का मतलब हो गया कि पॉइंट से लेकर के ये वाई एक्सिस जो थी, सॉरी एक्स एक्सिस जो थी, इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम
एक्स एक्सिस क्या था, एक्स एक्सिस को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस डिवीजन में अपने पास क्या आ जाएगा, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, ये बी हो गया, इज इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये फॉर्म भी हो गया इसी चीज को शो करने का कि डिस्टेंस के टर्म्स में हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं। और ये आपका किस कब काम आता है, जब आप किसी रोटेटेड टाइप की चीजों को कभी कभी डिस्कस करने के लिए दिया गया हो और उसका एक इनफैक्ट स्पेशल फॉर्म ही दे रखा हो। वैसे जेई में चांसेस कम है क्योंकि कुछ रोटेटेड है ना, इस तरीके शिफ्टेड तो ठीक है लेकिन रोटेटेड के आने के चांसेस बहुत कम है, कम से कम सिलेबस में तो नहीं है। तो अगर अलग से चीजें पूछी जाती हैं तो हो सकता है कि इन सिंपल सिंपल चीजों से ही रिलेटेड पूछी जाए, और तो या तो प्रॉपर्टी बेस्ड हो तो वो अलग बात है, जो हमारी सारे कॉनिक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड हो तो वो अलग सिचुएशन है, ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ पॉइंट्स, अब इन पॉइंट्स से रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड, जो टॉपिक्स हमने कल कवर किए थे, ठीक है। तो आप एक एक करके इन दोनों को ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का। सबसे पहले पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वहां पे आइडेंटिफाई करना है आपको कर्व, मतलब कि जो लोकस आएगा, है ना, क्या बात की जा रही है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ वेरिएबल सर्कल, ठीक है, जो कि दो गिवन सर्कल्स को एक्सटर्नली टच करता हो, उसके सेंटर के लोकस का हमें मतलब नेचर फाइंड आउट करना है कि वो कर्व क्या होगा, ठीक है। हमें इक्वेशन नहीं बतानी लोकस की, हमें कर्व केवल बताना है कि क्या होगा। ऑफकोर्स टॉपिक या फिर चैप्टर कह लीजिए जो चल रहा है आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए आप, है ना। तो मैं शुरू करता हूं उसके सॉल्यूशंस। आपको कहा जा रहा है कि लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ वेरिएबल सर्कल, इसकी बात की गई है। मतलब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि दो गिवन सर्कल्स हैं, है ना, दो गिवन सर्कल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा मैं ये इक्वल रेडियस के हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन दोनों सर्कल्स को मैंने कहा कि इसका सेंटर मान लो C1 है, इसका सेंटर C2 है, ये R2 है और इसका रेडियस R1 है। अगर कोई सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, इस तरीके का, जो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे सर्कल्स होंगे भाई, यहाँ पे भी एक्सटर्नली टच करेगा, यहाँ पे भी एक्सटर्नली टच करने वाला सर्कल होगा, इधर हो जाए एक और बड़ा सा सर्कल होगा, बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके सेंटर का हमें लोकस फाइंड आइडेंटिफाई करना था। तो कैसे करें, तो हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर मान लीजिए सी है, ठीक है। अब जो सर्कल होगा उसका सेंटर भी चेंज हो रहा होगा और रेडियस भी चेंज हो रही होगी बार बार, अलग अलग सर्कल का सेंटर और अलग अलग रेडियस, है ना। तो मान लीजिए कि ये आपका आर है, तो क्या क्या वेरिएबल है आपके पास, आपके पास सी भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, ठीक है, इतनी बात। अब अपन अगर देखें इसमें से एक्सटर्नली टच कर रहा था तो सी और सी वन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जरा बताओ, इतना तो सर्कल आता ही है कि सी और सी वन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो सी और सी वन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर वन। सिमिलरली सी सी टू के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर टू। लेकिन आर हमारा वेरिएबल है ना, तो अपन क्या चाहेंगे कि ये आर खत्म हो जाए। आर खत्म करने के लिए क्या दिख रहा है आपको, क्या कर सकते हो आप, तो देख सकता है यहां से कि अगर मैं सी सी वन और सी सी टू का डिफरेंस ले लूं, डिफरेंस इसीलिए मॉड लगा दिया, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर वन माइनस आर टू के डिफरेंस के बराबर। और R1 और R2 तो हमारे नोन है ना, उनमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला ना, ये दोनों सर्कल्स पता है, मतलब R1 R2 पता है, और इसलिए हमारे पास ये जो क्वांटिटी है वो फिक्स हो गई। तो CC1 minus CC2 का mod is equal to some fixed quantity, है ना। अब अगर ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी तो आपके पास ये लोकस C का क्या होगा, आप समझ सकते हो ना भाई, C दो फिक्स्ड पॉइंट C1 और C2 से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा किसी कांस्टेंट के बराबर रखता है। यही कहा गया कि सी सी वन और सी सी टू का जो डिफरेंस है वो किसी कांस्टेंट के हमेशा बराबर रहता है। तो ऑफ कोर्स आपको सी का नेचर कैसा मिलेगा, सी आपको एक हाइपरबोला मिल जाएगा। तो लोकस ऑफ
हाइपरबोला, ठीक है, लोकस ऑफ सी इज हाइपरबोला, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने अभी क्या हुआ है कि मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया जिसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन करने के लिए केवल कहा करो कि यही क्वेश्चन आपको इक्वेशन बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। इक्वेशन बनाते टाइम पे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि हमें ये दोनों सर्कल्स जो है C1 और C2 वाले, ये दोनों सर्कल्स आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो उस समय भी आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब आप एक्सटर्नली टच करा रहे थे तो आपके पास जो डिफरेंसेस का एक तरीके से सॉरी डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कैसा आता था, कांस्टेंट आता था। और आपने ये पहले देख रखा है पहले भी कि हमारे पास अगर मान लीजिए दो सर्कल्स हों, है ना, और हम कहें कि एक ऐसा सर्कल, मतलब ये दोनों सर्कल्स हैं और एक और सर्कल हो जो कि इंटरनली इन्हें टच कर रहा हो, तो इन जब ये एक्सटर्नली टच कर रहा है तो हाइपरबोला आता है, इंटरनली टच करता है तो इलिप्स आता है, है ना। और एक सर्कल और एक लाइन के बीच से हम देखते थे कि एक ऐसे सर्कल की के लिए सेंटर ऑफ सर्कल का लोकस, जबकि वो एक लाइन से और एक सर्कल से दोनों से टच कर रहा हो, उस समय सिचुएशन क्या थी, पैराबोला की थी। तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले ही से, ठीक है, ताकि आपके पास जब यही चीज इक्वेशन निकालने के फॉर्म में आए, आपको डेटा दे दिया जाए कि भाई ये दोनों सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है ना, या फिर दो सर्कल्स की गिवन है, आपको इंटरनली टच करने वाले सर्कल की लोकस पता करनी है, तो आपको पहले से पता हो तो ज्यादा अच्छा है कि ये मतलब कर्व कैसा आने वाला है। तो आइडेंटिफिकेशन आपका पहले से याद होना चाहिए, क्वेश्चन फिर हम उसके सॉल्व करने मतलब उस समय पे हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए एक बार, आपको जो मतलब एक तरीके से थ्योरी लिखाई गई थी उसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि P आपका एक वेरिएबल पॉइंट है और उसका लोकस फाइंड आउट करना है, PA माइनस PB आपका कांस्टेंट K के बराबर रहता है, K आपके लिए अलग अलग तीन केसेस गिवन है, किस केस में आपके पास लोकस क्या आएगा ये आपको पता करना है, इक्वेशन निकालनी है यहाँ पे, तो A और B दोनों गिवन भी हैं, ठीक है, तो शुरू हो जाते हैं अपन। देखिए A और B आपके पास पता है K is equal to 4, सबसे पहले केस की मैं बात करता हूं, ठीक है। यहां पे देखो PA minus PB की अगर मैं बात करूं तो PA minus PB is equal to 4, इसके बारे में कहा जा रहा है, PA minus PB is equal to पहले वाले केस में, है ना, K की वैल्यू 4 थी। अब आप देखिए एक चीज कि A और B के बीच की डिस्टेंस से इससे हम पहले कंपेयर करते थे कि ये जो हमारा K दिया गया है वो K क्या AB से बड़ा है, छोटा है या बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हम ये देख लेते हैं कि यहां पे अगर हम बात करें तो भाई AB की वैल्यू खुद कितनी है, AB डिस्टेंस खुद कितना है, 4 यूनिट्स ही तो है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि K आपका AB के बराबर है, और जब K AB के बराबर होता है तो लोकस हाइपरबोला नहीं होता, क्या होता तय था, होता है यहां पे A, यहां पे मान लीजिए है B 7.2 और इधर है मान लीजिए आपका 11.2, ठीक है। तो आप कहते थे कि इसी लाइन पे हमारा लोकस ऑफ P एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट दिस सेगमेंट, मतलब इधर वाला पोर्शन ये सब आपके सॉल्यूशन में आएंगे, लेकिन ये बीच का पोर्शन A से B तक का नहीं आएगा। तो अगर कहें कि लोकस क्या है इस केस में, तो दिस विल बी इक्वल टू 7.2 एंड 11.2 को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू 2 एक्सेप्ट सेगमेंट AB, है ना, y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन होगी एक्सेप्ट इस सेगमेंट को छोड़ करके, है ना। फिर आइए सेकेंड वाला केस देखते हैं, सेकेंड वाले केस में क्या था, K इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो अब यहां पे अगर हम देखें तो हाइपरबोला के लिए क्या जरूरी था कि PA माइनस PB दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब K आपका कैसा होना चाहिए, AB से छोटा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर हम देखें तो PA माइनस PB इज इक्वल टू 10 की बात की जा रही है और AB आपका 4 है, तो K आपका AB से बड़ा है, भाई दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो 10 है ना, और तीसरी साइड खुद 4 है,
तीसरी साइड खुद फोर है, तो इसका मतलब ट्रायंगल तो फॉर्म होगा नहीं, मतलब कि हाइपरबोला नहीं होगा लोकस। ठीक है, तो यहां पे आपका कैसा केस आ गया कि योर के इज ग्रेटर देन ए बी, नो सच पी एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं जो हमारा मेन सवाल है। के इज इक्वल टू थ्री, अब ऑफकोर्स आपका के जो है वो ए बी से छोटा है, अब आपका जो के है वो ए बी से छोटा है और इसलिए आप कह सकते हो कि यहां पे एक क्या है ये हाइपरबोला आपका फॉर्म होगा, है ना। तो अब हाइपरबोला फॉर्म होगा तो हमने क्या क्या कहा था, इस हाइपरबोला के केस में है ना आपका पी ए माइनस पी बी कितना आता है, टू ए आता है, तो ये जो के होगा वो किसका काम करेगा, के किसका काम करेगा, के आपका टू ए का काम करता है ना। मैं ए लिख, टू ए लिखने की जगह मैं बोल दूंगा कि दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज गिवन एस थ्री। ओके, ए इज 7.2, बी इज 11.2, ये दोनों ए और बी किसका काम करेंगे, ए और बी हमारे फिक्स पॉइंट्स हैं तो वो फोकस का काम करेंगे, फोकाई का काम करेंगे। तो अगर हम देखें तो 7.2 और 11.2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 यूनिट्स। तो हमारे पास दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस अगर कही जाए, पहले तो एक बार को नेचर देखो जरा हाइपरबोला का कैसा होगा, एक बार को सोचो, केवल नेचर सोचो। ठीक है, तो हाइपरबोला कैसा कुछ बन रहा होगा, है ना। 7.2 और 11.2 है इनके फोकस, तो जरा देखो 7.2 मान लिया मैंने कि यहां कहीं है ना, 7.2 और 11.2 मान लिया मैंने यहां कहीं है, ठीक है ना? तो फोक यही होगी आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी, इसके बीच से ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, है ना। तो कुछ इस तरीके का नेचर आ रहा होगा हाइपरबोला का, पहले तो हम ये एक ब्रीफ आइडिया लगा ले सकते हैं, है कि नहीं है। तो सेंटर क्या होगा, सेंटर तो होगा 7.2 और 11.2 का मिड पॉइंट, मतलब 9.2, मतलब अब सेंटर 0.0 नहीं है, मतलब हाइपरबोला ठीक है, कोई इसमें रोटेशन नहीं हुआ है, लेकिन हाइपरबोला हमारा शिफ्टेड जरूर है, 0.0 की जगह पे 9.2 पे आपका सेंटर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके का हाइपरबोला है। अब इसमें देखिए आप, आपने ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 3 बता दी, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a को बोल देता हूं अब मैं 3, है ना, और ये दोनों फोकस है, फोकस है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि a ही आपका 7 था, ऐसा नहीं कर देंगे भाई, ये तो शिफ्ट होने के बाद हो रहा है ना, तो अब आपका शिफ्टेड अगर लेते हो तुम पूरा का पूरा हाइपरबोला शिफ्ट कर देते हो तो ऑफ कोर्स फोकस हमारा ए ही थोड़ी ना रह जाएगा, वो भी तो शिफ्ट होगा, है कि नहीं है, लेकिन डिस्टेंसेस तो जो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। तो 7.2 और 11.2 के बीच का डिस्टेंस अगर देख लो तो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a ही होती है, तो 2a ही आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 2a आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब e की वैल्यू भी कितनी हो गई, 4/3, है ना, 2a आपका 3 है, e आपका कितना हो गया, 4/3। अगर अब मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, इसकी इक्वेशन देखिए कैसी होगी, अगर यही पूरा सिस्टम आपका ओरिजिन पे होता तब तो आप आसानी से, मतलब सेंटर ओरिजिन पे होता तो आप आसानी से क्या लिख देते, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कौन निकालेगा, ई निकालेगा, है ना, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1+b² / a² यही होता है, ई आपका 4/3 है तो ये हो गया 16/9, माइनस 1 7/9 इज इक्वल टू b² / a² a स्क्वायर आपका कितना है 9/4, है कि नहीं, तो ये इसने इसको काट दिया 4 times, b² = 7/4, तो b² आपका 7/4 है और ये 1 के बराबर, यही इक्वेशन हो जाती कि नहीं, a² b² लिख दिया, लेकिन ये होगी नहीं क्योंकि ये तो ओरिजिन को सेंटर लेके है, अब हमें क्या करना है, इस ओरिजिन वाले पार्ट को शिफ्ट करके कहां ले जाना है, 9.2 पे, तो 9.2 पे शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इक्वेशन आपके पास चलिए यहां पे एक बार को लिख लेते हैं, ठीक है,
आपके पास x की जगह क्या आ गया, x माइनस 9/2, सॉरी 9, ठीक है ना, शिफ्ट कहां पे हुआ, 9,2 पे, x माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था 9/4, है ना, माइनस y की जगह पे क्या आ जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, x की जगह पे x माइनस 9, y की जगह पे y माइनस 2 अपॉन नीचे आपके पास क्या है वहां पे 7/4 इज इक्वल टू 1, ये आपकी इलिप्स सॉरी हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, इसी क्वेश्चन में अब आप a को ले लो, मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, है ना, ये फ्रेश क्वेश्चन लिख लो, 2,7 और इसको भी पलट दिया मैंने 2,11, इस केस को आप सॉल्व कीजिए फॉर दिस ओनली, k इज इक्वल टू 3, बाकी कचरा है ये आपको पता है, तो k इज इक्वल टू 3 जो है इस केस के लिए आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज हो गया है कि नहीं है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये 2,7 से 2,11, तो अगर आप इसकी बात करें तो एक सबसे पहले उसका वही आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके का कर्व बनेगा, है ना। तो इस बार मैंने इसका से शो किया 2,7 2,11, तो x आपका फिक्स रह रहा है कि नहीं, ठीक है, एक 2,7 मान लीजिए मार्क करना है आपको, आपने यहां कर लिया 2,7, ठीक है, और इससे थोड़ा ऊपर अपन 2,11 को भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों फोकस हैं, अब ये दोनों फोकस कैसे होंगे, जब इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो क्या हो जाए आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, है कि नहीं, यही आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस होनी चाहिए, और अगर ये ट्रांसवर्स एक्सिस है तो समझ में आती है बात कि हाइपरबोला कैसा होगा, अदर हाइपरबोला होगा। तो अदर हाइपरबोला का मतलब कैसा हुआ कि आपके पास यहां से होकर के कॉन्जुगेट एक्सिस जाएगी 2,9 से होकर के, है ना, तो आपके पास हाइपरबोला कुछ इस तरीके का ऐसा है, ठीक है। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन कैसे होती है, इस हाइपरबोला की इक्वेशन होती है किस तरीके की, y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके, ऐसा रहता है। तो अपन देखते हैं, यहां पे देखिए आप, ये टोटल डिस्टेंस आप मेजर करोगे, है ना, टोटल डिस्टेंस रहेगी तो कितनी है, अभी भी 2a ही बोलेंगे ना, तो 2a ही आपका कितना है 4 है, और 2a आपका कितना है 3 है, तो यहां से a आपके पास आ गया, b अब आप निकाल सकते हो, है ना, तो b निकालने के लिए यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, यहां पे क्या कुछ चेंज होगा क्या, 1 प्लस भाई यही होता था ना, 1 प्लस दूसरे वाला अपॉन पहला वाला, तो वैसा ही अभी भी रहेगा, क्या ही डिफरेंस है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वहां पे भी था हमारे पास केस, ऐसा कोई उसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना, ठीक है, तो 1 प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर अपॉन पहले वाले का स्क्वायर, ये आपका ई स्क्वायर के बराबर था, है कि नहीं, तो 2a आपका 3 है, e आपने निकाल लिया, यहां से कितना हो जाएगा 4/3, तो ये 7/9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, a आपने लिख दिया 9/4 ए स्क्वायर मतलब, है ना, 7/9 इंटू 9/4, तो बी स्क्वायर आपके पास आ गया। तो इक्वेशन कैसी होती है, ये वाली इक्वेशन होती है y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब है 9/4 माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह होता 7/4 इज इक्वल टू 1, ये होता, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि ये कहां शिफ्ट हो गया है, 2,9 पे शिफ्ट हो गया है। तो ध्यान रहे, इसमें कई बार ये मिस्टेक करते हैं बच्चे कि आदत होती है पहले वाले में से माइनस 2 कर दिया, दूसरे वाले में से माइनस 9 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है हमें, आपको एक्स की जगह पे एक्स माइनस 2 रखना है और वाई की जगह पे वाई माइनस 9 रखना है, ठीक है, तो x की जगह पे आपने रख दिया x माइनस 2 और y की जगह आपने रख दिया 9, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक। तो यहां पे हमने थोड़ा सा शिफ्टेड हाइपरबोला के बारे में भी चीजें डिस्कस कर ली हैं इसी एग्जांपल के थ्रू। अब अपन कुछ ले लेते हैं, कुछ रोटेटेड हल्के फुल्के क्वेश्चन।
तो ये नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास हाइपरबोला दिया हुआ है और इस हाइपरबोला के लिए आपको पेयर ऑफ एसिम्प्टोट कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला सेंटर और ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या कहा गया, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स के लिए, और मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि आपका पेयर ऑफ एसिम्प्टोट और हाइपरबोला की इक्वेशन में डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ कांस्टेंट का आएगा। मतलब यहां तक की 11y तक की चीज वही रहेगी जो पहले थी, बस माइनस 8 नहीं आएगा, माइनस 8 की जगह पे कुछ और हो जाना चाहिए। तो वो क्या होगा देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। बाकी सब कुछ सेम है, केवल यहां पे हमने कहा कि यहां पे वैल्यू लेमडा रह सकती है। ठीक है, तो अगर ये आपके पास हाइपरबोला का पेयर ऑफ एसिम्प्टोट है, ठीक है, मान लिया कि ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट है, तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट तो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर है तो क्या मुझे पता चल सकता है क्या कि ये इक्वेशन लेमडा की किस वैल्यू के लिए पेयर ऑफ एसिम्प्टोट सॉरी स्ट्रेट लाइन का काम करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का काम करेगी, पता चल सकता है भाई। एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट इज द सिचुएशन, हमें वो लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अब आपने जैसे भी कर रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डिटर्मिनेंट के मेथड से करते हो, या फिर मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है तो दिस थिंग शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहां पे आप रख दीजिए, ए बी सी का मतलब क्या हुआ, ए आपका 3 है, बी आपका माइनस 2 है, ठीक है, सी आपका लेमडा है। ठीक है, 2fgh है ना, तो f में आप देखिए, f में आपके पास क्या आ जाएगा, 2gx into plus 2fy है ना, तो यहां 11/2 आएगा, फिर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, h कितना है, h 2h आपका माइनस 5 है, तो h है आपका माइनस 5/2 माइनस a f स्क्वायर, a आपका 3 f स्क्वायर। ठीक है, f कितना था, 11/2 का स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर, तो b कितना है, b आपका माइनस 2 है, g स्क्वायर, g 5/2 का स्क्वायर है ना, और ch स्क्वायर, तो c आपके पास है लैम्डा, h स्क्वायर मतलब माइनस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको पे तब रिजल्ट मिल जाएगा, निकाल देख ले। ठीक है, माइनस 6 लेमडा प्लस कितना आ गया यहां से, ठीक है थोड़ी कैलकुलेशन होगी कोई बात नहीं, 11 into 5 55 55 और माइनस 275 माइनस 275 और नीचे बचा आपके पास 4 है ना, फिर माइनस 3 into 121 मतलब 363/4। ठीक है, माइनस 2 इंटू है ना, 2 into बल्कि कह लीजिए 2 into 25/4, तो 25/4 माइनस लेमडा इंटू 25/4 इज इक्वल टू जीरो। यहां से आप निकाल सकते हो लेमडा, कुछ आएगा लेमडा निकाल लोगे है ना, तो तुम्हारे पास एक तरीके से ये लैम्डा की वैल्यू पता चल गई और इससे हमारा पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकल करके आ गया। अब आपको नेक्स्ट चीज क्या दी गई है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसे निकालें, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए सिंपल सी चीज है, क्या आपको बताया गया था कि हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज इक्वल टू 2 times पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स बताया गया था। तो आपके पास अगर आपका पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स पता चल चुका है, ये पहले से पता है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, 2 times पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y प्लस लैम्डा,
ठीक है, लेमडा निकाल लोगे, माइनस आपको हाइपरबोला करना पड़ेगा। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या थी? हाइपरबोला की इक्वेशन थी 3x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11y और माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया डायरेक्टली। पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आ गए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ गया। आपसे कहा जाए सेंटर, तो सेंटर क्या है? सेंटर आप दो तरीके से समझ सकते हो। सेंटर आप ऐसे देखो, इलिप्स में भी आपने सेंटर निकाला था, कैसे निकाला था? पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू। सेम चीज यहां पे भी आप कर सकते हो। और एक और चीज समझ सकते हो कि जो एसिम्प्टोट्स होती हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो सेंटर होता है। और अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुम्हें पता है तो उनका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो? भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड। भाई कंबाइंड इक्वेशन अगर हमें दो लाइंस की पता है तो उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर दें, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता था। तो आप चाहो तो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की हेल्प से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस हाइपरबोला से भी कर सकते हो। क्या करना है सेंटर के लिए? सेंटर के लिए आपको डेल एफ डेल एक्स, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली आपने डिफरेंशिएट किया, यू विल गेट 6x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से डेल एफ डेल वाई की बात करें तो डेल एफ डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में माइनस 5x है ना, माइनस 4y प्लस 11, ओके, तो ये इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ डेल वाई इज इक्वल टू 0, डेल एफ डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो क्या आएगा? 6x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और ठीक है, माइनस 5x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, सेंटर का वैल्यू आपके पास निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपके पास आ गई, यहां से आप सेंटर निकाल सकते हो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, यू विल गेट सेंटर डायरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इस तरीके का, और यहाँ पे आपको सेंटर, इसेंट्रिसिटी, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस फॉर्मेट के लिए हम क्या करते थे? एलिप्स में भी आपने इसको किया हुआ है, यहाँ पे भी इसको एक बार देखते हैं हम क्या है। अपन सबसे पहले ये आपने को समझ में आना चाहिए कि ये दोनों चीजें जो इक्वेशंस लिख रखी हैं हमने एक्स और वाई में, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर टाइप की हैं, है ना। यहाँ पे 3/4 है, यहाँ -4/3 है स्लोप, ठीक है। तो अगर ये चीज हमें पता रहती है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? आप देखो 3x माइनस 4y प्लस 1, पहले आपको क्या करना होता है, इसे डिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए 3x माइनस 4y प्लस 1 के नीचे किसकी जरूरत होगी? नीचे जरूरत होगी अंडर रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की, सो दैट ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर पाए। तो 3x माइनस 4y प्लस 1 अपॉन आपको 5 चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे देखें तो मैं ओवरऑल कह सकता हूं ना कि ओवरऑल नीचे 10 का स्क्वायर लगा हुआ है, या फिर ऐसे मैंने कहा, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आपको नीचे अभी किसकी जरूरत है? 4 की और जरूरत है, ठीक है। इस चीज को ऐसे लिख लिया मैंने, क्यों लिखा ऐसे? भाई एक तो 100 को बैलेंस करना था, वो बात अलग है, लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो इसको हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में बदलना होगा। तो 3x माइनस 4y प्लस 1, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसी आती है? ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लगा दिया। माइनस देखिए 4x प्लस 3y माइनस 9 अपॉन, यहां पे भी क्या लगेगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसने 25 पहुंचा दिया, हमें 50 चाहिए था तो 2 और लगा दिया हमने, 1 है ना सेंटर। अब सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये अगर फॉर्मेट हमने लिख रखा है तो ये आपका क्या हो गया, इधर आप क्या लिखते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स सॉरी कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। पहले आप क्या लिखते हो, डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। तो ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई
फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस की जगह क्या है एक तरीके से देखें 3x-4y+1 है ना अपॉन नीचे 2 है ना का होल स्क्वायर ठीक है माइनस इधर देखें तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम अब यहां क्या है 4x+3y-9 और उसको बैलेंस करने के लिए नीचे √2 था का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ठीक है तो आप बताइए पहले यहां पे क्या लिखा जाता था कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी अब कितनी हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस इज 3x-4y+1 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज वहां से 4x+3y-9 इन्हीं का इंटरसेक्शन पॉइंट तो सेंटर होगा तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो इंटरसेक्शन पॉइंट ठीक है इज सेंटर निकाल सकते हो ना अब मैं वो सब नहीं कर रहा डायरेक्टली आप सेंटर निकाल लो यहां से अब और आगे देखते हैं लेंथ ऑफ सी ए एंड टी ए तो यहां पे क्या आता था सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस और यहां क्या आता था सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस तो अगर हम कहें कि लेंथ ऑफ टी ए एंड सी ए है ना डायरेक्टली लिखते हैं लेंथ ऑफ टी ए तो टी ए की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 × 2 ठीक है और यहां पे सी ए की लेंथ कितनी हो जाएगी 2 × √2 तो ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस भी लेंथ निकल करके आ गई लेंथ ऑफ सी ए टी ए आ गया सेंटर आ गया अच्छा लेंथ आ गई अगर तो इसेंट्रिसिटी निकल आएगी तो यहां से आप देखो इसेंट्रिसिटी के लिए e² = 1 + b² / a² ये 2b है ना तो 2b है तो b स्क्वायर खैर कितना है b स्क्वायर आपका 2 है और a स्क्वायर आपका कितना है a स्क्वायर आपका है 4 है ना तो यहां से e स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आ गई 3/2 मतलब e की वैल्यू आप निकाल सकते हो √3/2 तो सेंटर हो गया इसेंट्रिसिटी हो गई लेंथ ऑफ सी ए टी ए हो गया फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स की बात बचती है तो फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स के लिए देखिए क्या करेंगे हम अब फोकाई किस पे एग्जिस्ट करेगा इसी ट्रांसवर्स एक्सिस पे ही फोकाई एग्जिस्ट करता है तो सेंटर तो आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा मुझे चलिए निकाल ही लेता हूं 3x-4y+1 = 0 ओके ठीक है और 4x+3y = 9 ठीक है तो फर्स्ट वाले को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सेकंड वाले को 4 से ठीक है तो और दोनों को ऐड कर देता हूं तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया 16 25x हो गया ऊपर वाले को 3 से -3 नीचे वाले को 4 से ही ना ठीक है तो 35 हो जाएगा है ना यही आ रहा है 3x-4y तो x इज इक्वल टू खैर कितना दिख रहा है यहां से x इज इक्वल टू 7/5 एंड y इज इक्वल टू अगर x को मैंने 7/5 रख दिया तो 21/5 और यहां पे आपके पास आ जाएगा नहीं 28 है ना 28/5 और 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अजीब सा बन रहा है क्या सॉरी 35 नहीं आएगा यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया था ना 33 ठीक है हाँ 33/25 तो दिस इज 33/25 तो x अगर आपका 33/25 है तो y के लिए आपने निकाला यहां से कितना आ जाएगा 132 9 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 93 और 3 से डिवाइड मतलब 31/25 शायद यही बन रहा है ना ठीक है तो ये आपके पास सेंटर आ गया अब इस सेंटर के आने के बाद हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप भाई अगर हम देखें ये रोटेटेड है सिस्टम हमारा ऐसे रोटेटेड है ना तो सेंटर तो आपका यही था ना 33/25, 31/25 इस सेंटर से आपको कितना दूर जाना है इस सेंटर से मुझे ए डिस्टेंस आगे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा किस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ट्रांसवर्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाऊंगा
ट्रांसवर्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूं, ठीक है, पहले तो मैंने ये थोड़ा सा सिस्टम इसका उल्टा बना दिया है, मैं इसको एक बार चेंज करता हूं, ये कुछ इस तरीके का रहेगा। ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी कुछ इस तरीके की है, 4x plus 3y minus 9, है ना? तो सेंटर से अगर मैं ट्रांसवर्स एक्सिस की डायरेक्शन में ए यूनिट्स आगे चलूं या पीछे चलूं, तो मुझे क्या मिलेगा? फोकस मिलेगा, मिलेगा। तो सेंटर अपना क्या था? 33/25, 31/25। तो यहां से कितना आगे चलना चाहिए? ए यूनिट आगे चल जाइए या ए यूनिट इधर आ जाइए। तो अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में गया, तो मुझे इसी लाइन के अलोंग जाना है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म का काम करना पड़ेगा हमें। भाई ये वाला पॉइंट अगर मुझे मेजर करना है तो पहले मुझे चाहिए क्या? ए, ठीक है, चलो वो भी निकाली देख ही लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू, ए कितना आया था मेरे पास? ए आया था अपना 2, और ई कितना था? √3/2। तो अपने पास 2 × √3/2 मतलब √6। तो √6 यूनिट्स आपको चलना है किस डायरेक्शन में? इस ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग। तो आप एक पॉइंट जो बनाओगे, अब आप पैरामीट्रिक फॉर्म से जा सकते हो कि यहां से √6 यूनिट्स की डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? x1 + r cos θ y1 + r sin θ। तो पॉइंट क्या होगा? मान लीजिए ये वाला पॉइंट हम मेजर करने जाएं तो 33/25 प्लस, है ना, ऊपर की ओर जा रहे हैं, प्लस वाला साइन ले लेते हैं, और कितना यूनिट? √6 cos थीटा। तो cos थीटा इसके अकॉर्डिंग tan थीटा कितना है? −4/3 है। cos थीटा कितना होगा? cos थीटा हो जाएगा −3/5, ठीक है, −3/5 कॉमा 31/25 प्लस √6, ठीक है, ये आपने r लिख लिया। sin थीटा, sin थीटा कितना होगा? 4/5। तो ये आपके पास 4/5 आ गया, ठीक है। तो आपके पास अगर देखा जाए तो ये एक पॉइंट होगा। अगर ये पॉइंट निकल आया तो वैसे ही जहां √6 लिखा है बस −√6 लिख दें तो इधर वाला फोकस भी निकल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना होगा? आपको एक ऐसी लाइन चाहिए, है ना, जैसे, अच्छा फोकस में दूसरा फोकस तो निकाल लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, वो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये फोकस निकल गया तो इस, ये जो है इसको मिड पॉइंट के तरीके से ट्रीट कर लें तो दूसरा वाला फोकस भी निकल जाएगा, दूसरे फोकस में कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमें क्या करना होता है? ए बाई ई यूनिट्स आगे जाना होता है। तो ए बाई ई देख लिया हमने कितना आएगा, ए बाई ई का मतलब हुआ ए था आपका 2 और ई था आपका √3/2, ठीक है, तो √2/√3, है ना, इतना यूनिट्स आपको चलना पड़ेगा। तो अगर आप यहां से इतने यूनिट्स इधर जाते हो और वहां पे एक लाइन खींच दो, कैसी एक लाइन? जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस, सॉरी कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल है। भाई डायरेक्ट्रिक्स कैसी होती है? कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होती है, है ना। तो कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दे, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि दिस इज अ लाइन 3x − 4y + c = 0, है ना, 3x − 4y + c = 0, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम ऐसा ले सकते हैं। और उस पे ये वाले पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? √2/√3 के बराबर होना चाहिए, बस यही तो कहा जा रहा था, ठीक है। c की वैल्यू निकल जाएगी, c की इनफैक्ट दो वैल्यूज निकलेंगी, क्योंकि अगर आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखोगे तो एक चीज बिल्कुल ना भूलें कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के केस में आपको मॉड लगाना पड़ता है, है ना। तो मतलब अगर हम इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखेंगे, ठीक है, तो मॉड ऑफ 3 × 33/25 − 4 × 31/25 + c, इस पे मॉड लगेगा, और अपॉन √3² + 4² जो कि कितना होना चाहिए? इस लेंथ 2√2/√3 के बराबर होना चाहिए। वहां से आपके पास c की वैल्यू भी निकल करके आ जाएगी, c की दो वैल्यूज आएंगी और वही दोनों आपके डायरेक्ट्रिक्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें, इस तरीके का कन्वर्जन जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लिया। ऑल्दो फिर से मैं कह रहा हूं टेस्ट में ये बिल्कुल सवाल आपके पूछे जाएंगे, लेकिन जेई के अंदर अगर कहा जाए एडवांस में तो बहुत ज्यादा इसको पूछे जाने के चांसेस नहीं है। हाँ, हो सकता है छोटा मोटा फॉर्म इस तरीके का आपसे पूछ लिया जाए कि ए क्या है, बी क्या है, ई क्या है,
ठीक है, लेकिन इतना रोटेटेड में इतना ज्यादा डिस्कशन नॉर्मली रहेगा नहीं एडवांस के अंदर, ठीक है। तो फिर भी फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन यू शुड अंडरस्टैंड इट। तो वापस लौट आते हैं अपने ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पे, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारी क्वेश्चन लिखने जैसी। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको फाइंड आउट करना है, जिसका सेंटर आपका 0.0 है, एक्स एक्सिस आपके ट्रांसवर्स एक्सिस है, और डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम फोकाई इज 2 and 5। एक वर्टेक्स की एक फोकस से डिस्टेंस 2 है, दूसरे फोकस से डिस्टेंस 5 है, और ऐसे में हमें हाइपरबोला की इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखोगे आप, देखो क्या करें, सबसे पहले तो एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो हमारे पास सेंटर 0.0 रखना है हमें, और एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो कोई खास दिक्कत की बात नहीं, जो अभी तक सबसे आसान लगता है वही काम है, ठीक है। इस तरीके का हाइपरबोला होगा, डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो एक फोकस से दूसरे फोकस से डिस्टेंसेस देखिए जरा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ए है ये ए है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, ए माइनस ए। यहां से देखें तो ये आपके पास ए है, इधर आपका ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ए प्लस ए, तो ये ए प्लस ए है, ये आपकी ए माइनस ए है, ठीक है। तो अगर हम देखें ए प्लस ए की वैल्यू आपको 5 दी जा रही है, ए माइनस ए की वैल्यू आपको 2 दी जा रही है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो गई 7/2, और ए की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों का डिफरेंस ले लिया 3/2, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, ई की वैल्यू हो गई 7/3, है ना। ई अगर आ गया तो बी निकाल सकते हैं, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + b² / a² बिल्कुल ट्रेडिशनल बात है। 7/3 का होल स्क्वायर मतलब 49/9 इज इक्वल टू 1 + b² नहीं मालूम, ठीक है 9/4, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 40/9 आ गया और इंटू 9/4 आ गया, मतलब 10, बी स्क्वायर की वैल्यू 10 है। इक्वेशन आप क्या लिखोगे, तो इक्वेशन भी यही लिख लो सीधा सीधा, सेंटर 0.0 है, कोई शिफ्टिंग उफ्टिंग नहीं है, सीधी सीधी बात की जा रही है, सीधा सीधा आंसर लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया 9/4, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 1। फिर से ध्यान देना, ए को बड़ा है या बी बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बात, हमारा ओरिएंटेशन ऐसा है तो हम पहले एक्स लिखेंगे बाद में वाई लिखेंगे और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड वाले में क्या था, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद सेंटर 3-2 फोकस 5-2 एंड वर्टेक्स 4-2। तो यहां पे देखिए आप, सेंटर को 3-2 बताया गया, मतलब शिफ्टेड तो है बात। अब फिर से इसका स्ट्रक्चर सोचिए कैसा होगा, फोकस 5-2 कह रहे हो, वर्टेक्स 4-2 कह रहे हो, सेंटर 3-2 कह रहे हो, मतलब सभी कैसे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो सेंटर आपके पास 3-2 आपने ले लिया मान लीजिए, है ना, सेंटर 3-2, हाँ सेंटर मान लीजिए ये 3-2 है, फोकस आपने कहा 5-2 और वर्टेक्स कहा आपने 4-2, ये 3-2 ये 4-2 और ये रहे आपके 5-2, ये आपका फोकस है, ये वर्टेक्स है। तो हाइपरबोला कुछ इस तरीके का होगा भाई, ये तो समझ सकते हो ना कि फोकस कहां पे लाई करता है, फोकस वर्टेक्स ये सब कहां पे मिलेंगे आपको, ट्रांसवर्स एक्सिस पे मिलेंगे, मतलब ये वाली जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, और अगर ये ट्रांसवर्स है तो इसका मतलब कि बस हाइपरबोला जो है उसको उठा के शिफ्ट किया गया है, मतलब अभी भी जो उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, तो कोई रोटेशन नहीं हुआ है, एज इट इज उठा करके शिफ्ट किया गया है। तो 3-2 आपका सेंटर था, तो दूसरा इस तरीके से आपके पास कुछ रहेगा, है ना, 3-2 यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। तो 3-2 से पास करते हुए एक लाइन आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस का काम करेगी, और ट्रांसवर्स एक्सिस तो है ही जिसपे आपके पास ये दोनों आपके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले हमें ये एक आइडिया रख लेना चाहिए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब हम समझते हैं बाकी, अब जो मेहनत करनी है उसकी बात करें, तो फोकाई अब सीधा ए ही थोड़ी ना होगी, सब शिफ्ट हो गए ना, तो आप देखो फोकाई क्या लिखी जाएगी, अब 3-2 है ना और 4-2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर से ये वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस ये ए होगी, होगी कि नहीं, और सेंटर से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1, और
थ्री टू से फाइव टू के बीच की डिस्टेंस ए कितना है, टू के बराबर है, तो ए वन है और ई आपका कितना हो गया, टू, ठीक है, ई इज इक्वल टू टू, सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर से वही है ना, तो फोर माइनस वन थ्री हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर, ठीक है, तो बी की वैल्यू सीधी कितनी आ गई अपने पास, अंडर रूट थ्री, तो बी की वैल्यू आपके पास रूट थ्री के बराबर है। तो ऐसे में आप इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे, कोशिश करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये सेंटर शिफ्ट हो चुका है, मतलब जहां x था अब उस जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस y की जगह पे y माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों आपको यहां से पता है, आप आंसर इसका अब लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपने ऑलरेडी इतनी शिफ्टिंग वगैरह देख रखी है ऑलरेडी इलिप्स वगैरह में, कि यहाँ पे आपको फिर से मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डिस्टेंसेस के टर्म्स में बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स से ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है, जब भी हम शिफ्टिंग वगैरह करें, रोटेशन करते हैं तो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म याद आना चाहिए, ठीक है, तो ऐसी चीज। अच्छा, रोटेशन कौन से रोटेशन की बात कर रहा हूँ, इस रोटेशन की बात नहीं कर रहा कि ये पूरा आपने इसे उठाया और 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो उसकी बात नहीं कर रहा, उसके बारे में आपको ऑलरेडी इनफ इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप उसको डील कर सकते हो। मैं पैरामीट्रिक फॉर्म की बात तब कर रहा हूँ जबकि ये मान लीजिए ये 45 डिग्री पे है ना, लाइन आपकी कुछ है 4x plus 3y आपका दिया गया ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, तो ऐसे केसेस में आपको पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, बाकी समय आप डिस्टेंसेस के टर्म्स में डील करके काम चला सकते हो। नेक्स्ट अच्छा सवाल है, क्या कहा जा रहा है कि एलिप्स और हाइपरबोला आपके कॉन्फोकल है, कॉन्फोकल का मतलब क्या हुआ कि दोनों के फोकस सेम है, ठीक है, एलिप्स का जो फोकाई है वही हाइपरबोला का भी है। कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स, ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स, और ऐसे में हमें इलिप्स की सेंट्रिसिटी रेज टू पावर माइनस टू, इलिप्स सॉरी हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी रेज टू पावर माइनस टू, ये ऐड करके बताना है, ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं सोल्यूशन की ओर प्रोसीड करता हूं, अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा कि इस फैक्ट को यूज कर लें, ठीक है, कैसे यूज कर लें, मतलब हमने कहा कि इलिप्स की इक्वेशन मान लीजिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन ले लो, और हाइपरबोला की ले लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, क्या कहा है, कॉन्जुगेट एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर है, मतलब यहां पे बी स्क्वायर यूज किया जा सकता है, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, सो दैट कि हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कम रख सकें, बताया ही क्या है कि भाई ये भी बी है ये भी बी है, तो लिख लो भी उसको। इसेंट्रिसिटी की बात करता हूं, तो इसेंट्रिसिटी इसकी कितनी होगी, तो इसकी इसेंट्रिसिटी अगर हम निकालने जाते हैं तो दिस इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड हियर इट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विच कैन बी रिटन एज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, है ना, आपको हाँ आपको क्या करना था, इनके रेसिप्रोकल्स का एक तरीके से सम करना था, ठीक है। अब इनके टर्म्स में हम आंसर लिखेंगे नहीं, है ना, अभी तक तो हमने एक फैक्ट यूज ही नहीं किया, क्या लिखा था कि हमें कॉन्फोकल दिए गए थे, कॉन्फोकल दिए गए थे इसका मतलब कि फोकस के कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो फोकस इसके लिए कितना आएगा, ए ई, है ना, ए ई ई आएगा, और इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए आ जाएगा आपका बी सॉरी अल्फा ई हाइपरबोला होगा, ठीक है, इतनी बात। तो यहां से आपको वैसे भी रिलेशन कैसा चाहिए, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इन सब में रिलेशन चाहिए, मतलब ये अल्फा ए ये तो हमने अपनी ओर से लगा दिया है, इन सबको तो हटाना पड़ेगा, है ना, ये सब कहीं दिया तो था ना, तो हटाने के लिए क्या करें, देखिए इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स और इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का अगर रेशियो देखते हैं तो दैट इज अल्फा बाई ए, यहां से भी हम ट्राई करते हैं ई माइनस वन और ई हाइपरबोला का स्क्वायर माइनस वन, क्या बना लेंगे ये दोनों, यहां से माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां से आएगा बी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर साफ हो गया, बचा आपके पास क्या, माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से ई इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स और यहां पे हाइपरबोला माइनस वन, ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। अब आप इसको अल्फा बाई ए को हटा के रख दीजिए,
अल्फा वाई ए की जगह आप ये रख सकते हो, तो दिस विल गिव यू माइनस ओवर ई रेस टू इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स का स्क्वायर अपॉन इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, और इसीलिए ये सवाल जो था एक अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ से ई स्क्वायर माइनस वन, इसको मैं एक साइड ले आता हूँ, ई स्क्वायर है ना इज इक्वल टू माइनस आएगा यहाँ पे ई एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, या फिर दोनों को एक साथ ही रख लें, प्लस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, तो स्प्लिट करोगे मतलब दिस थिंग अपॉन ई स्क्वायर मतलब वन माइनस वन अपॉन ई इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स का स्क्वायर प्लस यहां से वन माइनस वन अपॉन ई हाइपरबोला का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो वन अपॉन इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स वन अपॉन इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू कितना आ गया, टू के बराबर आ गया। ये आपका आंसर है, बढ़िया सवाल था बिकॉज ऑफ ऑल दीज इलिमिनेशंस। ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशंस थे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कंसेप्चुअली आपको कुछ मिल गया, लेकिन आपको इलिमिनेशन अच्छा करने को मिला है यहाँ पे। तो एक टॉपिक देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू। ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, थीटा वन और थीटा टू आपके इनफैक्ट क्या है, दो पैरामीट्रिक पॉइंट्स है। व्हेन आई से थीटा वन दैट मीन्स की इट इज ए सेक थीटा वन कॉमा बी टेन थीटा वन। ठीक है, एंड वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, है ना। तो थीटा वन मीन्स ए सेक थीटा वन कॉमा बी टेन थीटा वन एंड थीटा टू मीन्स ए सेक थीटा टू बी टेन थीटा टू, राइट। तो हमें इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है। आपने इलिप्स में भी लिख रखा होगा एक बार को, अगर आप उसी के उसमें माइनर चेंजेस कर लें तो आपको सीधा हाइपरबोला की इक्वेशन मिल जाएगी, हाइपरबोला के लिए सेम रिजल्ट मतलब एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्या करना है आपको, इलिप्स के लिए आपका रिजल्ट क्या होता था, इलिप्स के लिए रिजल्ट हुआ करता था एक्स बाई ए कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, ठीक है, प्लस वाई बाई बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हुआ करता था। अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, बस दो चीजें करनी है, बस इस प्लस की जगह पे माइनस लगा दीजिए। ये तो पहला थॉट आपको आएगा ही इलिप्स से हाइपरबोला में चेंज करने के टाइम पे कि यहाँ बी के साथ हम थोड़ा माइनस वाइनस खेल लेते हैं। ठीक है, तो प्लस का आप माइनस कर दीजिए। और लेकिन एक इंपॉर्टेंट चेंज है, वो क्या है कि इन दोनों की पोजीशंस इंटरचेंज कर दो, मतलब कि एक्स बाई ए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू माइनस यहां पे है ना बीच में माइनस आ जाएगा वाई बाई बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू, ठीक है, इधर आपके पास आ जाएगा ये वाली चीज उठ करके इधर cos थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। ये आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप सर्कल के टाइम से इस चीज को याद रखने की कोशिश करिएगा। सर्कल में भी क्या था, तीनों आप एक ही तरीके से तीनों याद कर सकते हो। अगर आप ये याद है ना आपको, तो आपको सब याद है। ये अगर आपको याद है तो ये आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इलिप्स और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है, तो बस सब कुछ ए है वहां पे बी का कोई कंसेप्ट तो है नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की बात करूं तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई बाई बी की जगह पे ए हो जाएगा। तो इलिप्स वाला अगर याद है तो इलिप्स से हाइपरबोला भी बना सकते हैं, और बी की जगह ए रख दे तो सर्कल भी बना सकते हैं। सर्कल के लिए भी सेम पॉइंट कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में और खास करके जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है उस समय ये वाली अप्रोचेस हमारे लिए काफी ये रिजल्ट्स आपके काम के हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, लोगों को ये कंफ्यूजन आता है कि चलिए ये तो कॉर्ड हम मान लेंगे कि ये आपकी एक कॉर्ड है ना। आप कहो कि इधर एक कॉर्ड आपने खींच दी, ये भी मानने को तैयार है ना, लेकिन क्या ये क्या होगा, ये क्या है, तो ये भी कॉर्ड है भाई। कॉर्ड के लिए बस कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है, कॉर्ड के लिए ये थोड़ी ना कहीं कहा गया है कि दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट हमें पूरा का पूरा अंदर ही चाहिए, नहीं चाहिए। हमें दो पॉइंट्स उठाए, हमने कहा ये थीटा वन है मेरा, ये थीटा टू है। अब अगर कर्व के दो पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करता हूं तो दैट इज अ कॉर्ड। ठीक है, तो ये भी आपका, अगर मैं कहूं कि ये थीटा वन है ये थीटा टू है, तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आपकी ये लिखी हुई है।
ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है कि आपका एक पॉइंट एक ब्रांच पे हो, दूसरा पॉइंट दूसरे ब्रांच पे हो, और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉर्ड की इक्वेशन रही, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका लोकेशन ऑफ पॉइंट। एक बोरिंग सा, मतलब छोटा सा ही, आसान सा ही, बट बोरिंग सा ही है। कई बार आप तो कई बार देख चुके, हर बार एक ही काम करना होता है। तो आइए देखते हैं कि लोकेशन ऑफ पॉइंट का डिस्कशन कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो हाइपरबोला यही वाला उठाया हमने, है ना। हमने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन के लिए बात कर रहे हैं, और हमें अगर पॉइंट दिया जाए कि एक्स वन वाई वन, है ना। ठीक है, तो किसकी बात करते थे हम लोकेशन ऑफ पॉइंट के टाइम पे? लोकेशन ऑफ पॉइंट के टाइम पे हम बात करते थे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एस वन, है ना। तो एस वन विल बी एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही होगा आपका एस वन माइनस वन, सॉरी, है ना, ये आपका एस वन होगा। अब इस एस वन को हमें देखना है कि इस एस वन की वैल्यू कैसी है। तो अगर आप देखो, सेंटर तो आपका आउटसाइड हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला का इनसाइड ये है, ये है, ये आउटसाइड है, है ना। तो सेंटर तो आपका आउटसाइड में है। आउटसाइड वाली चीज अगर देखें हम, फॉर सेंटर अगर देख लें, तो फॉर सेंटर, ठीक है, जो कि आउटसाइड लाई करता है, एस वन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब अगर एक पॉइंट के लिए नेगेटिव है, तो आउटसाइड लाई करने वाले हर एक पॉइंट के लिए एस वन को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। सो फॉर ऑल पॉइंट्स लाइन आउटसाइड हाइपरबोला, आउटसाइड हाइपरबोला, एस वन शुड बी नेगेटिव। ठीक है, ऑन द हाइपरबोला, तो ये तो बहुत पुरानी बात है, एस वन को जीरो होना पड़ेगा, है ना भाई। अगर सेटिस्फाई ही कर जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, और इनसाइड हाइपरबोला S1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात हम पहले भी कर चुके होंगे, है ना। हाइपरबोला के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो हाइपरबोला के लिए आपका S1 कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ऑन द हाइपरबोला S1 इज इक्वल, मतलब इन आउटसाइड के लिए S1 नेगेटिव है। थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, अगर आप लॉजिकली इसको याद रखोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, अगर आप रट के याद रखोगे तो दिक्कत हो भी सकती है। कहीं आपको याद आया कि भाई हर बार S1 जब नेगेटिव होता था तो अंदर लाई करता था, इस बार नहीं है भाई। इस बार जीरो जीरो के लिए जो आउटसाइड था उसके लिए एक्सप्रेशन कैसा हो जा रहा था, नेगेटिव। ठीक है, तो S1 आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब आउटसाइड पॉइंट है, S1 आपका जीरो है तो ऑन द हाइपरबोला है, और S1 ग्रेटर देन जीरो है तो इनसाइड हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये आपका लोकेशन ऑफ पॉइंट रहा। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं लाइन एंड हाइपरबोला। तो लाइन एंड हाइपरबोला अपन देखते हैं। लाइन एंड हाइपरबोला मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, है ना, और वो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के लिए क्या क्या काम कर सकती है, कभी टेंजेंट का काम, कभी कॉर्ड का काम, और कभी Neither touching nor intersecting, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं कि ऐसा कैसे कैसे होता है। Although आप ellipse वगैरह में पहले भी कर चुके हो, यहाँ पे भी हम फिर से वही काम रिपीट करने वाले हैं, तो करते हैं। x square upon a square minus y की जगह रख दिया आपने mx plus c का whole square upon b square is equal to 1। यहाँ से आपके पास बन जाएगा b square x square minus a square into mx plus c का whole square is equal to a square b square। ठीक है, तो ये आपके पास ओपन होगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एक्स के साथ आपके पास आ जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर एम सी एक्स, है ना, कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्शन होना है, ठीक है, अगर लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन होना है तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका, ठीक है, फॉर कॉर्ड, ठीक है, अगर लाइन एक कॉर्ड के तरीके से काम करती है तो उस कंडीशन में आपका डी जो है कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन जीरो इनफैक्ट, क्योंकि आपको दो डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस क्वाड्रेटिक के रूट्स देखने होंगे, मतलब रूट्स देखिए या फिर उसके डिस्क्रिमिनेंट देखिए कि डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा है, पॉजिटिव हो जाना चाहिए।
ठीक है, अगर कॉर्ड है तो सिंपल सी बात है दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेंगे। तो जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जाएंगे तो एक क्वाड्रेटिक ऐसी मिलनी चाहिए जिसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करें, बस कोई बड़ी बात नहीं लिखी गई है। फिर अपन आगे लिखते हैं कि फॉर टेंजेंट, ये लाइन आपका टेंजेंट का काम करेगी, ये कैसे होगा? तो टेंजेंसी की कंडीशन तब होगी जब आपका डी कितना हो, जीरो। टेंजेंसी कब होगी? जबकि आपका डी कितना हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। और डी अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि टू ए स्क्वायर एम सी का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ए स्क्वायर यहां से कॉमन नहीं है बट ठीक है ये लिख लिया मैं, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या कहा हमने कि इस बार आपके दोनों जो अभी तक आप दो डिस्टिंक्ट रूट्स खोजते थे अब डिस्टिंक्ट नहीं सेम हो जाएं, तो सेम हो जाएंगे तो एक तरीके से क्या हुआ, टेंजेंट हो गया, क्योंकि आपको एक ही पॉइंट रिपीटेडली मिल रहा है। तो आपके पास d इक्वल टू जीरो की यहां से कंडीशन आई, और वो कंडीशन आ जाएगी कितनी, जैसा इलिप्स में आती थी, कितनी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे पहले ही मैंने कहा था कि बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में देख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके भी चाहो तो देख सकते हो कि सी स्क्वायर विल कम आउट एज ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो टेंजेंसी के लिए कंडीशन हो गई कि हमारा सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और ऑफ कोर्स फॉर नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इसका मतलब है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो फॉर नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग वाले के लिए क्या होगा, तो यहां पर आपका D कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये क्वाड्रेटिक हम बनाए तो, लेकिन इस क्वाड्रेटिक के कोई रियल रूट्स ही नहीं मिलते, मतलब कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये बात। अब इस चीज को टेंजेंसी वाले केस को एक अलग से समझते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि मेनली फोकस तो इसी पे रहने वाला है, बाकी सब तो कहने की बातें हैं। ठीक है, तो टेंजेंसी के लिए अगर हम कहें कि टेंजेंट टू हाइपरबोला, ठीक है, कौन सा हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है, विद स्लोप एम, स्लोप एम की हमें टेंजेंट खींचनी है। ठीक है, तो जैसे हम इलिप्स के लिए लिखते थे बिल्कुल वैसे ही यहां हाइपरबोला के लिए लिख देंगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब जब आप इलिप्स में सोचते थे तो इलिप्स में क्या होता था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, मतलब अंडर रूट के अंदर वाली चीज तो एनीवे पॉजिटिव आनी ही आनी थी, लेकिन यहां पे अब नहीं है ऐसा, क्योंकि यहां पे अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस बात को भी, इसका क्या सेंस है। तो अगर हमें टेंजेंट चाहिए तो एक बार को सोचो, ए स्क्वायर, मैं पहला केस ले रहा हूं कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये जीरो कब होगा भाई, जबकि एम आपका कितना होगा, प्लस माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो अगर एम प्लस माइनस बी बाई ए हुआ तो इस सिचुएशन में आपकी लाइंस क्या बनेंगी, लाइंस आपकी बन जाएंगी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स, और आगे तो जीरो है। तो ये बताओ ये क्या है, ये क्या बन गया, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो जब पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स बन गए तो हमें तो पता है ना, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट को हम टेंजेंट थोड़ी ना बोल देंगे, है कि नहीं है, पेयर ऑफ एसिम्प्टोट को आप टेंजेंट नहीं बोलोगे ना, अपन ये कहते हैं इनफाइनाइट पे जाके कहीं टच करेगा, लेकिन टच तो नहीं करता। ठीक है, क्रूडली हम बोल देते हैं कि इनफाइनाइट पे जाकर के वो टच करेगा। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका मतलब दिस इज नॉट अ टेंजेंट। ठीक है, दूसरा केस, अगर आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव हो गया, तब तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनेगा भाई, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी चीज हो जाएगी, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। और इसका मतलब क्या है, ये कब होगा, जबकि आपका मॉड ऑफ एम, कह सकता हूं मैं, लेस देन बी बाई ए हो। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्टिवली देखा जाए तो हमारे काम की चीज कौन सी है, b by a plus minus b by a fail हो गया, mod of m less than b by a fail हो गया, तो हमारे काम का है mod of m should be greater than b by a। जब ये होगा तो ये quantity आपकी positive आएगी, मतलब मैं पहले उसी को लिखता हूं कि a square m square minus b square should be greater than 0 and that will give you mod m should be greater than b by a। मतलब hyperbola की कोई भी tangent कौन सी exist करेगी,
स्लोप उसका कैसा होना चाहिए, हमेशा मॉड ऑफ एम शुड बी ग्रेटर देन बी बाई ए। अगर आपका मॉड ऑफ एम बी बाई ए के बराबर है या फिर बी बाई ए से छोटा है तो कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपके टेंजेंसी की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, वो क्या है कि मॉड ऑफ एम आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन बी बाई ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसको एक बार को फील करना चाहेंगे, है ना। चलिए फील कर लेते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हमने बोला कि टेंजेंट कब एग्जिस्ट करेगी, जब मॉड एम आपका बी बाई ए से बड़ा हो जाए। लेकिन अगर आप देखो इस चीज को डायग्राम के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं, एक बार अगर आप यहां पे बी बाई ए से बड़े स्लोप की कोई लाइन लेते हो, मान लो बड़े स्लोप की लाइन बी बाई ए है, इससे बड़ा स्लोप ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है क्या कि जब इसको खिसकाऊंगा मैं तो कहीं जाकर के ये टच कर जाएगा, ऐसे खिसकाते जाए इसके पैरेलली, ठीक है, तो यहां पे आकर के ये टच उच करने लगेगा, है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं बी बाई ए और जीरो के बीच का स्लोप ले लूं, ठीक है, बी बाई ए और जीरो के बीच का स्लोप, सपोज ऐसा, ठीक है, बी बाई ए और जीरो के बीच का स्लोप है ना इस तरीके का, तो बी बाई ए और जीरो के बीच का स्लोप लेने पे क्या होगा, आप देखो अब इसको आप अगर खिसकाते हो, ठीक है, इसको अगर आप खिसकाते हो तो ये आपको टच करने वाली सिचुएशन नहीं देगा भाई। बी बाई ए से आपने कहा कि बड़ी स्लोप होनी चाहिए, उसको आपने देख लिया सीधा कि बी बाई ए से बड़ी स्लोप वाली लाइन जो है अगर ऐसे खिसकाते जाए तो एक पॉइंट पे जाकर के टच करेगी और इधर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करूं मैं तो ये वाली जो लाइन होगी, है ना, ये वाली लाइन आपका स्लोप कैसा है, बी बाई ए से छोटा है ना, तो बी बाई ए से अगर छोटा है भाई, बी बाई ए तो खुद इनफाइनाइट पे जाके टच हो रहा था, लेकिन बी बाई ए से नीचे अगर हमने कर दिया, जरा भी बी बाई ए से नीचे कर दिया तो कट करने लगेगा या नहीं, इंटरसेक्शन वाली सिचुएशन हो जाएगी ना, कि बी बाई ए पक्का उसको कट करेगा ही करेगा और कोई आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि बी बाई ए वो लिमिटिंग सिचुएशन थी जब दोनों जाकर के ऐसा कहते थे कि हम कहीं जाके टच करेंगे, तो कहीं जाके टच करेंगे उसकी सिचुएशन आएगी ही नहीं अगर हम बी बाई ए से जस्ट नीचे आ गए। तो बी बाई ए से जस्ट नीचे वाली अगर लाइन रहेगी तो वो आपको हमेशा इंटरसेक्शन देगी, बी बाई ए से बड़े स्लोप की लाइन अगर रहेगी तो वो आपको टेंजेंसी की सिचुएशन दे सकती है, ठीक है। तो यही यहां पे हम डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मॉड एम ग्रेटर देन बी बाई ए का सिग्निफिकेंस क्या है, मॉड एम लेस देन बी बाई ए में एक्चुअली क्या हो रहा होगा, ये बात ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको दूसरे वाले हाइपरबोला के लिए भी बात कर लेते हैं एक बार को, कि फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला अगर हम लेते हैं y स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी बात कर लें, इसकी टेंजेंट कैसे लिखेंगे, तो इसकी टेंजेंट लिखने के लिए वही सिंपल सी बात, थोड़ा सा अगर मतलब करने के लिए तो वही काम है अपना कि y इज इक्वल टू mx प्लस c रखिए, है ना, और उसके बाद क्वाड्रेटिक बना के डी को जीरो करिए। लेकिन अपन इतना नहीं करने जा रहे, अपन एक मैनिपुलेशन ध्यान में रखेंगे और उसी के तौर तरीके से हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, हम मतलब याद रखने का एक तरीका सीखेंगे केवल, क्या है, आप इसको उसी तरीके से लिख दो जैसे आपके पास एक्स ये होता था ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, कैसे करोगे, आपको राइट साइड में वन भी चाहिए, आप इसको माइनस वन नहीं कर सकते, है ना। तो अपन ने क्या किया, देखो क्या बनेगा, यहां पे अगर मैं इसको लिख लेता हूं पहले माइनस एक्स स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट मुझे पॉजिटिव चाहिए, मैंने इसको उठा के नीचे भेज दिया, ठीक, प्लस मेरे पास बचा हुआ है वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अभी भी बात नहीं बनी क्योंकि बीच में माइनस साइन भी चाहिए, कर दो माइनस, जब यहां माइनस लगाओगे तो एक माइनस इधर लगाना पड़ेगा, ऊपर में हमें लगाना पसंद नहीं होगा तो हम नीचे में लगा देंगे बस, तो एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, क्या करना था आपको, बेसिकली इसको आप ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो एक तरीके से इस फॉर्म में, तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर की जगह पे माइनस बीटा स्क्वायर और बीटा यहां पे जो बी स्क्वायर था उसकी जगह पे माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन अभी हमने लिखी क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी लिख लो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह किसने ले ली है, माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है,
बी स्क्वायर की जगह किसने ले ली है, माइनस अल्फा स्क्वायर ने, है ना। तो माइनस ऑफ सॉरी ए स्क्वायर के साथ है, में स्क्वायर है ना, माइनस हाँ बी स्क्वायर की जगह पे यहां पे क्या है, माइनस अल्फा स्क्वायर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर भी लिख लिया। तो दिस इज गिविंग यू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये आपको हाइपरबोला की टेंजेंट मिलेगी। तो कैसे याद रखना है आपको, बस इसको ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए बस, ठीक है। इसको एक बार कन्वर्ट कर लिया फिर तो वही पुरानी बात है, पुराना फॉर्मूला ही एक तरीके से फिर से आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले हाइपरबोला के लिए कन्वर्जन आपने कैसे किया है ये इंपॉर्टेंट है आपका ध्यान में रखना, ओके। अच्छा, शिफ्टिंग वगैरह हुई तो कोई खास दिक्कत नहीं है, शिफ्टिंग के लिए अब तो आपको आदत पड़ चुकी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए यही सेम आपसे कहा जाए कि x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसका अगर आपको टेंजेंट लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं ना, बस y जहां था वहां y माइनस के रख दीजिए, x जहां था वहां पे x माइनस एच रख दीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा पहले की तरह, ठीक है। तो शिफ्टिंग अगर हुई तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रोटेशन के लिए ये सब नहीं करेंगे और वो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा अगर रोटेटेड रहा हाइपरबोला तो, ठीक है। तो बस आपको दो हाइपरबोला की ये दोनों इक्वेशंस पता होनी चाहिए, शिफ्टिंग आपका पुराना ओरिजिन शिफ्टिंग की तरह ही है, ठीक है। अपन आगे इससे रिलेटेड एक दो सवाल करते हैं और वहीं पर अपना लेक्चर भी आज का एंड करेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ टेंजेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो कि पैरेलल हो एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन के और दूसरे केस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाए यहाँ पे वन में समझ सकता हूँ इसको, है ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, पहले केस की बात कर रहा हूं, तो उस समय m मेरा कितना है, m मेरा है माइनस वन बाई थ्री, मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर मैं देखूं ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कितना लिखा है, वन इंटू वन बाई नाइन, है ना, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कि पैरेलल आपके पास माइनस वन बाई थ्री स्लोप की मतलब टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट कर सकती क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है, सो नो टेंजेंट, ठीक है। सेकंड, अगर आप परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर वाले केस में अगर आप ये कैलकुलेट करने जाओगे तो भाई स्लोप अगर माइनस वन बाई थ्री थी इस लाइन की तो परपेंडिकुलर लाइन की थ्री होगी, वन इंटू नाइन माइनस फोर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 5, इसका मतलब टेंजेंट बनेगी, क्या बनेगी, y इज इक्वल टू mx, m कितना होगा उसका 3 होगा ना, परपेंडिकुलर है ना, 3x प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो दो टेंजेंट यहां पे एग्जिस्ट करेगी, पहले केस में कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिए, कभी भी ये जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले तो आपने हाइपरबोला का टाइप देख लिया कि हाइपरबोला आपका अदर हाइपरबोला तो नहीं है, और दूसरी चीज यहां राइट साइड में वन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, यहां पे वन होना चाहिए तभी हम ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड आगे का डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल।